अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने CSS को कंट्रोल करने के लिए 4 से 5 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। आज इससे आगे इंशाल्लाह अभी हम इंक्रीज करने लगे हैं, अपने लेक्चर्स को बढ़ाने लगे हैं आगे तक। और वो ये होगा कि हम किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप पूरी वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं CSS को यूज़ करते हुए। तो ओपन करते हैं सबसे पहले अपने सबलाइन को, क्योंकि सबलाइन के अंदर ही तो हम लोगों ने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, क्रिएट करना होता है। कंट्रोल एस दबाते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं अपनी वेबसाइट वाले पेज के अंदर जहां हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ नाम लिख लेते हैं index.html। ठीक है स्टूडेंट, अब कंट्रोल एन करके एक न्यू बना देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं index.css। यहाँ पे आते हैं, HTML का टैग लगाते हैं, वेलकम टू मेक वेबसाइट यूजिंग एडवांस लैंग्वेज CSS। नहीं जी, CSS को कंट्रोल करते हुए हम वेबसाइट क्रिएट करने चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये करते हैं जी, इंडेक्स CSS है उसको हम अभी से इसके साथ लिंक कर लेते हैं। हम लिंक का टैग लगाते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि index.css, ये इसके साथ अटैच है। बॉडी के अंदर आते हैं, div का टैग लगाते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं कोई भी चीज़। सॉरी, नहीं जी, अब हम इसके अंदर लगते हैं जी कोई भी चीज़। चलिए, इसको डिप को पहले कंट्रोल करने के लिए हम लगा लेते हैं जी आईडी लगा लेते हैं स्टूडेंट मेन डिप, क्योंकि काफ़ी सारे डिप हम लोगों ने कंट्रोल करने हैं। इसका जो मेन डिप मैं लगा लेता हूँ आईडी। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हैश लगा के मेन डिप को यहाँ पे लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जी बैकग्राउंड कलर, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाए। अब आते हैं वेबसाइट की जानी, इंडेक्स वाले को ओपन करता हूँ, देखते हैं लाइट ब्लू कलर आया। बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। कैसे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम बॉर्डर यूज करेंगे। नहीं जी, अब बॉर्डर यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ 2 पिक्सल डॉटेड, और हमने लाइट ब्लू किया, इसके साथ कंट्रास्ट करवाते हैं रेड का। चलें, अब आते हैं वेबसाइट की जानी और देखते हैं कि अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। हो चुका है स्टूडेंट, डेफिनेटली हो चुका है। ये देखें, ये डॉटेड भी लग चुके हैं, लाइट ग्रीन कलर, यहाँ पे ना येलो कलर करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लाइट गोल्डन, ये पता नहीं कौन सा कलर है, ये कर लेते हैं। ठीक है, ले जी, ये कलर मैंने कर लिया। अब हमने करना है क्या इसके अंदर, यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम इसकी चले विड्थ लगा लेते हैं 990 तक, 1190 तक पिक्सल। ठीक है, और इसकी हाइट भी लगा लेते हैं स्टूडेंट, हाइट लगा लेते हैं 1400 पिक्सल। अब आके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें अवेल हो चुकी हैं। नए स्टूडेंट, हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हो चुकी हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो पिक्चर है ना, इसको चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा तो यार अच्छा लगे। लेकिन ये हमारे पास आ चुका है, इसका बैकग्राउंड कलर भी, और इसको मैं अब कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में लेके आने के लिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं, इसमें मार्जिन यूज करेंगे। मैंने आपको मार्जिन का तरीका लास्ट लेक्चर में बताया था कि मार्जिन बेसिकली है क्या। अच्छा, इसको कहते हैं मार्जिन कंटिन्यूएशन शाइन लगा के, इसको कहता हूँ कि लेफ्ट की तरफ चले जाए और कितना मूव हो जाए, ऑटो हो जाए, खुद ब खुद ही ऑटो हो जाए, बजाय इसके कि मैं इसको कंट्रोल करूँ। मैं इसको कहता हूँ लेफ्ट से ही ऑटो हो जाए। अब स्टूडेंट, हमने इसको लेफ्ट से ऑटो किया तो ये राइट के साथ चार के अटैच हो चुके हैं। अब हमने इसको राइट से उखाड़ना है, और इसको मैं कहता हूँ कि भाई आप ना मार्जिन राइट से भी ऑटो में
शिफ्ट हो जाओ। वैसे तो हम इसको खुद भी पिक्सल दे सकते थे, लेकिन ये देखें, ये जी अब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये खुद ब खुद ही हो चुका है इसका मार्जिन कंप्लीट। अब ऐसा करते हैं कि ये वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं अपने बाकी क्रोम के अंदर, मस ब्राउजर के अंदर, मतलब कि इसको मैं सेंड ब्राउजर के अंदर ओपन करके देखता हूँ। जी ठीक है जी, परफेक्ट है, यहाँ भी वैसे ही काम कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट होता ये है बेसिकली कि बाज़ुकात वेबसाइटें काफ़ी सारी और होती हैं लोगों की। अब किसी के पास कोई ब्राउजर होगा, किसी के पास कोई ब्राउजर, हम सबको कंटिन्यू करके अपने साथ काम करेंगे, ना कि ये कि सिर्फ क्रोम को लेके चलें। हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी इसको चेक किया करेंगे और हर किसी के अंदर हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, सॉरी, हम इसको अब करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ओपन। लो जी स्टूडेंट, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर भी बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। और लास्ट है हमारे पास, लास्ट वन है जी इंटरनेट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो हमारी विंडो 10 का मौजूद होता है। ले जी, इसके अंदर भी हमारे सारा कुछ ये परफेक्ट आ चुका है। अभी से आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा मार्जिन है ना, ये तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये देखिए ऊपर से लाइन, ऊपर से काफ़ी सारी जगह हमारे पास बच चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जगह कंप्लीट हो जाए। येलो कलर करते हैं, वो कलर बहुत ही अजीब सा लग रहा था, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं जी, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि ऊपर से मार्जिन भी कंप्लीट हो, तो हम यहाँ पे आते हैं और मार्जिन लगाते हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ जी मार्जिन ये हो जाए स्टूडेंट माइनस टॉप से 0 पिक्सल। अब मैंने ये टॉप से 0 पिक्सल कर दिया, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा जी चलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ मार्जिन बॉटम से 0 पिक्सल हो जाए, तो देखते हैं इस पे फर्क पड़ता है। तो जी स्टूडेंट, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा लास्ट हम एक और मार्जिन यूज करते हैं, मार्जिन में कहता हूँ कि सिर्फ 0 पिक्सल हो जाए। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि ये जो बिल्कुल ऑटो पे था, ये दोबारा वापस हमने लेफ्ट की तरफ आ चुका है। हम तो चाह रहे थे ये ऊपर वाला हिस्सा खत्म हो जाए, ये ऊपर बिल्कुल टॉप पे अटैच हो जाए। तो स्टूडेंट इसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा काम करना है आपने, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको आप बिल्कुल रेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो ऑटो था, पहले तो इसको ऑटो ही रहने देते हैं। ऑटो के बाद अब हम जाते हैं वापस अपनी सॉरी यहाँ पे मेन टिप से ऊपर थोड़ा सा। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक टैग, वो होता है बॉडी का टैग, आपको मालूम है बॉडी का टैग तो हम यूज करते ही हैं। अब मैं यहाँ पे आके करता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया, ठीक है, स्काई ब्लू। जी मैंने अब इसका कलर स्काई ब्लू कर दिया बैकग्राउंड कलर। अब मैंने इसको टॉप पे भी लेके जाना है। अब मैं बैकग्राउंड को कंट्रोल कर रहा हूँ बॉडी के, ठीक है। अब मैं कहूँगा मार्जिन 0 पिक्सल हो जाए। अब जब मैंने इसको बोल दिया कि मार्जिन 0 पिक्सल हो जाए, तो क्या हुआ, जो हम चाहते थे वही हो गया, जो हमने इतने सारे इसके टैग यूज किए जाके मेन डिव के अंदर, तो इसने हमारी एक भी बात नहीं मानी। लेकिन जैसे फिर मैं बॉडी में आया, मैंने कहा अगर ये कंट्रोल नहीं होता मेन डिव के अंदर जाके डिव, तो हम इसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमने इसकी बॉडी को कंट्रोल किया। अब जैसे ही आपको सामने है, जैसे ही मैंने इसकी बॉडी को कंट्रोल किया, तो हुआ क्या, ये बिल्कुल टॉप पे इसके साथ जाके अटैच हो चुका है। तो स्टूडेंट आज हम, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ हम लिखना लिखेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हमने इसको इसके अंदर थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो करने, वरना बस ये आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ये देखें, ये अब इसके अंदर ही आ रहा है, ना कि ये बॉडी के अंदर। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको यहाँ इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजिंग हो, तो आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो कल के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।